गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, कैसे हो आप लोग? आई होप कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे और सभी लोग को प्रीति झारखंड ब्लॉगर में बहुत बहुत स्वागत है। तो मैं ये देखिए दिखला रही हूँ अपने गांव की खेती जमीन। तो इसमें लगी हुई है टमाटर, चना और कद्दू, खीरा, मटर, ये सब सभी चीज़ लगी हुई है। तो जहाँ तक आप लोगों को दिखाई दे रहा है, पूरी हम लोग की ही ज़मीन है। और ये देखिए गांव की रहन सहन कितनी साफ़ सुथरा है, बिल्कुल प्रदूषण रहित। और यहाँ पे उतना भीड़ भाड़ नहीं है जिसके कारण यहाँ पे बाहर निकलना मना है, ऐसा कुछ भी नहीं है, क्योंकि ये सब भीड़ भाड़ में ही वायरस ज़्यादातर फैलती है। और अगल बगल में तो कोई भी आदमी नहीं है, बिल्कुल अकेली हूँ मैं और बच्चे लोग हैं और साथ में मेरी सासू माँ भी हैं। देखिए कितना अच्छा लग रहा है। और अभी लगभग सुबह का 8 बज रहा है। तो ये देख लीजिए, थोड़ा चट्टान वाला जगह है, तो गर्मी का मौसम है तो गर्मी ज़्यादा लगती है क्योंकि पूरा चट्टान गर्म हो जाता है। और ये जो भी वायरस चली है तो गर्मी में तो ख़त्म ही हो जाएगी, और भगवान करे कि जल्दी ये सब बीमारी से छुटकारा हो। तो सभी लोग मिलकर दुआ कीजिए, क्योंकि सेफ्टी के साथ दुआ भी करना बहुत ज़रूरी है। और सभी लोग जो टाउन में हैं या फिर गांव में भी जो भी हैं, सभी लोग अपने को सेफ रखें, सुरक्षित रखें, बस यही दुआ है हम सभी यूट्यूबर लोग से। और ये देखिए, ये मेरी सासू माँ की सासू माँ हैं जो 90+ हैं, तो इनसे मैं कुछ बात कर रही थी। और इनको कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, बॉडी में एकदम फिट है, ठंडा लग रहा ना, अच्छे से खाती पीती सब हैं। और हम लोग इतना एज के तो नहीं हो सकते हैं, क्योंकि आजकल के जो खाना है ना, वो सब बिल्कुल भी पहले के जैसा नहीं है। तो पता नहीं, इतना सारा जो बीमारी आ रहा है, तो जिसको जो बीमारी नहीं भी होना चाहिए वो भी बीमारी हो जाती है। और ये देखिए, ये चना है, चना लगी हुई है, तो मैं चना खाने के लिए आई हुई हूँ। चना को देख के ही लालच होने लगता है कि तुरंत खाया जाए, चलिए इंजॉय करते हैं।
मरलाई एंड आज मैं बना रही हूँ मक्के की रोटी, क्योंकि इसमें गर्मी होती है ये आटा में, तो अभी शरीर को रखना बहुत ज़रूरी है, शरीर को गर्माहट देना बहुत ज़रूरी है अभी। तो मक्के की रोटी में गर्मी होती है, इसे खाने से शरीर गर्म होता है। तो ये देखिए मैं ऐसे बनाती हूँ अपने हथेली से, इसे बेलन और चौकी का ज़रूरत नहीं पड़ता है, और इसे कम आँच में ही मैं बनाती हूँ। ऑयल हल्का हल्का डालकर और आँच को कम करके बनाया जाता है, और ये बहुत ही अच्छी लगती है। और मैं रोटी बनाई थी चावल की भी, बने रहिए। और ये है आलू गोभी का सब्जी, तो मक्के की रोटी एंड चावल की रोटी के साथ थोड़ा ग्रेवी वाली ही सब्जी अच्छी लगती है, तो मैं बना रही हूँ आज ये सब्जी। तो चलिए आगे देखते रहिए कि मैं इसमें मसाले क्या क्या यूज़ करती हूँ। और मैं इसे गलने के लिए इसमें मैं नमक डाल दी हूँ, और जब मैं पत्ता गोभी डाल दूँगी उसके बाद हल्दी भी डाल दूँगी। तो मैं पत्ता गोभी ये देखिए डाल दी हूँ, और अपना ये हल्दी पाउडर। तो मैं ये सारी मसाला अपने सब्जी में ऐड करूँगी, एंड ये टमाटर ये देखिए, तो ये सारी मसाला डाल के मैं सब्जी को तैयार करती हूँ, एंड लास्ट में गार्निश के लिए धनिया की पत्ती। तो बस सब्जी रेडी हो चुकी है। ये ढेर सारी मैं धनिया डाल दे रही हूँ, तो बस मेरी सब्जी रेडी हो गई है। एंड अभी मैं चाय बना रही हूँ एंड सबको दे रही हूँ, तो ये दूसरे दिन का बनाया हुआ है, नेक्स्ट डे का मॉर्निंग का रूटीन मेरी। सुबह सुबह मैं उठती हूँ तो सबसे पहले किचन ये सब साफ करके मैं चाय बनाती हूँ सबके लिए। तो चलिए मेरे साथ एंजॉय कीजिए चाय। एंड रात को मैं चावल भिगो के रख दी थी सुबह में चावल की रोटी बनाने के लिए, तो इसमें मैं उड़द दाल भी मिक्स कर दी हूँ, एंड दोनों को मिलाकर मैं पीस दी थी। और ये देखिए मेरी रोटी चावल की रोटी बन चुकी है, सुबह का ब्रेकफास्ट बन के रेडी हो गई है। तो ये आलू और गोभी मटर का सब्जी, ये मकई का रोटी जैसे कि आप लोगों ने देखा कि मैं इसे कैसे बना रही थी, एंड ये गाजर टमाटर, और ये है मेरी अंकुरा हुआ बादाम चना, और इसमें मैं काला नमक को ऐड कर रही हूँ।
तो ये देखिए मेरी फाइनली बन के नाश्ता रेडी हो गई है। तो अब मैं करती हूँ और उसके बाद मैं आपसे बाद में बात करती हूँ। तब तक के लिए बने रहिए।